बिहार राज्य के वैशाली नगरी में हो रहे शून्य लागत प्राकृतिक खेती के शिविर में पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने दोपहर के सत्र में किसानों के सामने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने इस समय जिस व्यवस्था को हम नकारते हैं, उसी वक्त उसकी वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी करने को कहा। किसान जो भी उगाता है उस पर उसके साथ समाज के हक के बारे में बताया, साथ साथ विविध गतिविधियों पर किसानों को बहुमूल्य मार्गदर्शन किया। हमारे सामने दो बातें आती है, एक तो हम समीक्षा करते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, पूंजीवाद देखा रहा, ये पूंजीवाद देखा रहा, ऐसा शोषणकारी है, लुटता है वगैरह वगैरह, सब समीक्षा करते हैं और नकारते हैं। हमें ये व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें पूंजीवाद नहीं चाहिए, हमें समाजवाद नहीं चाहिए, हमें मार्क्सवाद नहीं चाहिए, हमें गांधीवाद नहीं चाहिए, नकारते। लेकिन मुझे लगता है जब हम किसी व्यवस्था को नकारते हैं, किसी विचारधारा को नकारते हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि उसका विकल्प पहले दे। केवल विकल्प ना दे, केवल विकल्प खड़ा करे, ये नहीं चाहिए, ये है, ये आपको स्वीकार करना है। लेकिन मजे की बात, सारे दुनिया में मैं देख रहा हूं बोलते बहुत है पूंजीवाद के खिलाफ, समाजवाद के खिलाफ, गांधीवाद और मार्क्सवाद के खिलाफ, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने कभी भी कड़ी नहीं की है, लेकिन बोलते हैं। जब तक हम हमारी समानता व्यवस्था खड़ी नहीं करते वैकल्पिक, तब तक किसी व्यवस्था को नकारने का अधिकार हमें नहीं होता। ख्याल में रहे, मेरा खेत में जो कुछ पैदा होगा वो मेरा है। वास्तव में देखना चाहिए कि 100 बोरी अगर गेहूं उगाता है वो तेरा कैसे हो गया, समाज का हो गया। 100 बोरी गेहूं से तू 3 बोरी खाएगा ना, एक परिवार खाएगा साल भर, तो 3 बोरी खाएगा, 100 थोड़ी खाएगा। तो 97 तो समाज का है, ठीक है, 97 बोरी आपने बेच दिया, पैसा लाया, पैसा थोड़ी खाएगा, तो तेरा कैसे हो गया, तेरा पास है, तेरा कैसे हो गया। लेकिन उसने काम करते रहना चाहिए ताकि नव निर्माण होगा। एक तो उसको मालकिन हक का दिया, स्वामित्व अधिकार दिया कि तेरा है, काम कर, ये तेरा ही रहेगा। साथ में व्यवस्था भी की कि उसके पास केवल 3 बोरी रखा, बाकी समाज के लिए 97 बेचने के लिए उसको बाध्य किया कि बेच समाज के लिए। जैसे मधुमक्खियां होती है, ईश्वर ने मधुमक्खियों को निर्माण किया मध निर्माण के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, पराग सिंचन के लिए। काय के लिए? पराग सिंचन के, फूलों में पराग सिंचन होगा तब के दाने भरेंगे। लेकिन ऐसे काम नहीं करेगी मधुमक्खियां, अगर इनको कहा जाए कि पराग सिंचन ले काम करो, फूलों में जाओ तो नहीं जाएगी। इसलिए उन्होंने, ईश्वर ने क्या किया, एक आकर्षण काय का, वो नेक्टर का, फूलों में जो नेक्टर होता है उसको, उसका आकर्षण किया, निर्माण किया कि जो ये नेक्टर होता है अंदर, वो आपको लेना है, वो उठाना है, उसे मत बनाना है, शहद बनाना है। ये आकर्षण पैदा किया, खरा उसके पीछे उद्देश्य था पराग सिंचन। यहां भी वही हुआ, समाज के लिए 100 बोरी निर्माण कर, लेकिन ये मालूम है अगर समाज के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, 3 बोरी उगाएगा हम सो जाएगा। इसलिए उसने मालकिन हक, स्वामित्व अधिकार ले लिया, ये रहा है। ट्रस्टीशिप को नकारने वाला कार्ल मार्क्स सत्य की तरफ कैसे जाएगा? साथियों, ये दोहरापन कहां से आता है? एक ओर हम शोषण के खिलाफ बोलते हैं, दूसरे खुद शोषण करते हैं, छठे पे कमीशन, सातवें कमीशन के माध्यम से। एक भी माई का लाल नहीं खड़ा होगा कि मुझे पे कमीशन नहीं चाहिए बोलने वाला। कुछ तो भी गड़बड़ है समझने में। अब गड़बड़ यह है कि हमने प्रकृति को समझा ही नहीं, प्रकृति को दुश्मन माना और प्रकृति साथ झगड़ा चालू कर दिया। परिणाम ये जो भुगत रहे हम,
ये परिणाम है। प्रतिघात चक्र चलेगा, चल रहा है प्रतिघात चक्र। समस्याएं जो हमारे सामने खड़ी है मानवता के सामने, ये ईश्वर ने निर्माण नहीं की, प्रकृति नहीं, मानव ने खुद निर्माण की, व्यवस्था ने। कौन कौन सी समस्या है वे मानवता के सामने है। पहली समस्या है खाद्य असुरक्षा, फूड क्राइसिस। केवल हिंदुस्तान का सवाल नहीं है, समस्या नहीं, पूरी दुनिया की समस्या है। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस गति से भूमि घट रही है, जोता युक्त, और जिस गति से प्रति एकड़ उत्पादन घट रहा है रासायनिक कृषि जैविक कृषि से, तो खाद्य संकट तय हुआ है। कारण यह है, और व्यवस्था के पास इसका कोई विकल्प नहीं है। 2050 में हमें 50 करोड़ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन चाहिए, आज से दुगुना। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBNF SPTV, वैशाली, बिहार।